आरक्षण की बात की जाए तो 9 वर्ष लमसम हो गए हैं, आप निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं दिला पाया, और जयप्रकाश निषाद कह रहे हैं कि अब की हम आरक्षण दिलाने के लिए लड़ेंगे और निषाद समुदाय का नेतृत्व करेंगे, इस पर किस दिशा में देख रहे हैं? स्वागत है भाई, भाई हैं वो भी हमारे, वो भी खून खानदान के हैं, वो भी आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी आरक्षण की लड़ाई, वो भी भाजपा में रह के लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी भाजपा में रह के लड़ाई, बस अंतर इतना है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, हमारी पार्टी गठबंधन की है, हम पार्टी के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में हैं। और आरक्षण का मुद्दा मैं बता दूँ, मैंने अभी कहा यही कि यही दलित समुदाय था उसको आरक्षण नहीं मिला था, लेकिन जब वो होशियार हो गया, जब लखनऊ की गद्दी की चाबी, कलम की चाबी अपने नेता के हाथ में दे दिया, मतलब 1992 के बाद, तब उनका आरक्षण लिखा, उनका आरक्षण लिखा था लेकिन मिल नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि वो लोग राजनीतिक रूप से होशियार नहीं थे, लेकिन काशीराम जब होशियार कर दिए, कलम की ताकत ले लिए, तो आज आरक्षण भी मिल गया, काशीराम आवाज़ भी मिल रहा है, उनका मान सम्मान भी मिल रहा है, और आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी कानूने भी उन्होंने दी, तो 40 साल लग गए आरक्षण मिलने। नहीं 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 वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं 9 साल में, अभी देखिए हमारी फाइल कभी माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे सपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे बसपा की गवर्नमेंट रही हो, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, कभी हमारी फाइल लखनऊ से दिल्ली नहीं जाती थी, या दिल्ली से आरजीआई को कोई लेटर नहीं लिखता था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि पार्टी के द्वारा मान्यवर साहब के अथक प्रयास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखा दिल्ली सरकार को, केंद्र को, माननीय अमित शाह जी ने तुरंत आरजीआई को लेटर लिखवाया, वहां गई, क्यों? हमारी फाइल स्टेबल से उच्चेबल चले कि नहीं भाई, ये इनके हकदार हैं, इनको हक हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि इसके पहले आरजीआई कभी मानता नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा है कि आरजीआई ने भी मान लिया कि भैया ये जितनी भी उपजातियाँ हैं, केवट बिंद मल्ला जो 16 उपजातियाँ हैं, 578 उपजातियाँ हैं, ये मझवार के माझवार की सभी उपजातियाँ हैं, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इनको इनके संविधान के तहत इनको मिलना चाहिए, जल्द से जल्द हो रहा है। हम कह रहे हैं, हम 42 साल की बात नहीं करते, लेकिन हम कह रहे हैं 9 साल में हमने फाइल इस टेबल से उस टेबल पहुँचाया, तो कोई हमारे समाज का नेता, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से वो बराबरी टेबल पे कभी बात नहीं किया, चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारे जो नेता एक एक दो दो घंटे बात करते हैं, माननीय अमित शाह जी से एक एक घंटा बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय JP नड्डा से भी एक एक दो दो बात करते हैं, आप पूछिए हमारे समुदाय से कोई ऐसा नेता नहीं हुआ, सब दलाल निकले, 1100 संगठन 33 पार्टी बना के एक प्रधान नहीं पैदा कर पाए, एक BDC नहीं कर पाए, मेरी पार्टी ने तो प्रधान भी पैदा किया, BDC भी पैदा किया, जिला पंचायत सदस्य भी किया, MP भी बनाया, MLA भी बनाया, मंत्री भी बनाया, सब कुछ बनाया, तो अगर ये सब कुछ बना सकता है तो आरक्षण भी जरूर दिला सकता है। 2024 चुनाव से पहले आरक्षण क्या मिल सकता है? अब ये मानवर साहब डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हमारे अगुवा हैं, वो वही इसकी पहल कर रहे हैं, हो सकता है मिल जाए भाई, क्योंकि RGI ने कह दिया है, अब इस पर जल्द से जल्द ही कुछ फैसला आने वाला है, ये जल्द से जल्द मिलेगा। जयप्रकाश निषाद जी कहते हैं कि संजय निषाद जी और BJP के साथ मिलकर निषाद पार्टी और निषाद समुदाय के लिए कुछ छला जा रहा है आरक्षण के नाम पे, ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा? अब तो ये तो उनसे ही पूछिए किस हिसाब से छला जा रहा है, अगर छला जाता तो माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के साथ इतनी दिन सेना ही नहीं रहती, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मानवर साहब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अब कौन वकालत कर रहा है, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, चाहे अमित शाह जी से हो, चाहे JP नड्डा से हो, कौन वकालत कर रहा था तो मेरा समाज देख रहा है, हम तो भाई वो हमारे खून है, हमारे भाई हैं, हम कहते हैं भाई आए मिल के लड़ाई लड़ा जाए, आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है, आरक्षण अगर हम लोगों को भाई जो संविधान में लिखा है अगर उसको दिलाना है तो मिल के हमको लड़ना पड़ेगा, ये तो दुश्मन चाहता है, सपा बसपा कांग्रेस तो ये चाह रही है कि निषाद समुदाय को जो मानवर साहब इकट्ठा कर दिए हैं, जो समुदाय कभी बेहोश था राजनीतिक रूप से उसको होशियार कर दिए हैं, आज मानवर साहब ने होशियार कर दिया है, तो वो चाह रहे हैं कि इनमें फूट डाल दो, ये आपस में लड़ें, निषाद ही निषाद आपस में लड़े, जिससे ये इनकी मजबूती कम हो, जिससे आरक्षण की आवाज़ कम बुलंद हो, वो तो चाहते ही हैं, तो मैं ये नहीं चाहता, वो भाई हैं हमारे, हम लोग के खून खानदान के हैं, वो भी आएँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी में आएँ, हम लोग मिल के लड़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग हम लोग भाई भाई हैं।